लाइव आप माने वहीं मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं हसीब कुक हाउस। आज तो मैं ड्रेक की इस कढ़ाई की तरफ आपको लेकर आया हूँ। मैं इस कढ़ाई में आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगा हूँ जी। मैं दाल माश बनाने लगा हूँ एक नए तरीके से। इसमें एक चीज़ में और ऐड करूँगा और हमारी दाल बहुत ही मज़े स्पाइसी से तैयार होगी। तो मैं बनाने लगा हूँ जी दाल माश। दाल माश के लिए मैंने ये कढ़ाई से ले लिया है। इसमें मैंने ऑयल डाल दी है और ये मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल दिए, आधी चम्मच डाली थी तो आधी मैं अगेन डाल के इसमें प्याज जो है वो ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्याज जो है वो ऐड कर देता हूँ। प्याज ऐड कर लूँ, इसमें मैंने प्याज जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। और इसमें टमाटर भी गलती से दो तीन टमाटर के पीस पे चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। इसको मैं दो से तीन मिनट इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद में इसमें जो है वो टमाटर जो है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, दो से तीन मिनट के बाद इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। अब मैं मज़ीद इसको दो से तीन मिनट पका लूँगा। अच्छा जी, दो से तीन मिनट और पकाने के बाद मैंने इसमें जो है शिमला मिर्च जो है वो एक काट के डाल दी है, ठीक है। और मैं इसको अब मिक्स कर लूँगा। नए तरीके से आज दाल जो है वो तैयार होने वाली है, ठीक है जी। चाय दाल नहीं है पर हम इसको जिस तरह से बना रहे हैं चाय बना ही देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर मैंने इसमें खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है जी। खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। तो फिर मैं इसमें मैंने जो दाल है वो ऐड कर दूँगा। दाल को मैंने उबाल दिया था, ठीक है। हम मैं इसमें एक मिनट इसको मज़ीद पकने के बाद में इसमें जो है वो दाल ऐड कर दूँगा। मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है, ठीक है। दाल ऐड करके दाल माश अपने इसको मिक्स कर लूँगा। माशाल्लाह से मिक्स करने के बाद इसकी लुक आप देखें कितनी प्यारी है। मज़ीद मैं इसको दो से तीन मिनट पका लूँगा। अच्छा जी, दो से तीन मिनट मैंने इसको पका लिया। अब मैं इसमें एंड पे डाल देता हूँ धनिया मिर्च, ठीक है जी। धनिया मिर्च मैंने डाल दिया तो मिक्स कर लूँगा। चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है जी। और इसको मैं अब शॉर्ट कर दिया। मज़ेदार सी दाल माश हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर दी है, माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी तैयार हुई है, ठीक है जी। कितना इसमें मतलब कि वो ग्रीन चिली डालने के बाद उसके बाद वो शिमला मिर्च डालने से टमाटर इतना प्यारा इसमें ये कलर आ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी शॉर्ट सी रेसिपी मैंने तैयार की है, तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।